गौर से देखिए इन्हें, ये किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के नूरे नजर लगते जिगर हैं। मिस्टर विजय कुमार, आपकी एक गवाही इस इंसान को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, क्योंकि सिर्फ आप ही वो इंसान हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं पूछती हूं, आपने क्या देखा था? लाश को घसीटते हुए? पर लाश को घसीटने वाला तो लाश की तरफ झुका होगा, तो फिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, उसकी कमर, उसकी गर्दन या फिर उसकी सूरत? क्या देखा था आपने? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? मैं बताती हूं, आपने कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि लाश को अगर आपने घसीटते हुए देखा होता तो आप चिल्लाए क्यों नहीं? आपने शोर क्यों नहीं मचाया? आपने कातिल को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करी? मिस्टर कुमार, अगर आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, तो इस इंसान को सजाए मौत मिलना इंसाफ होगा। लेकिन अगर आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, और इस गलती का इकरार आपने इस अदालत के सामने नहीं किया, तो यह खून होगा। यह खून आपकी गर्दन पर होगा, और इस खून के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर बताइए आप कि उस दिन जिस आदमी को आपने लाश घसीटते हुए देखा था वो ये है। इस गीता पर हाथ रखिए, आप अपने पास पकड़िए, सीने पर लगाइए और कसम खा के बताइए कि मोटर की रोशनी में आपने जिस आदमी को देखा था, क्या वो ये थे? चुप क्यों हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? आपने झूठ बोला था, आपने झूठी गवाही दी थी, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने इस इंसान के साथ नाइंसाफी की, तो कुदरत आपके साथ बहुत बड़ा इंतकाम लेगी। मिस्टर कुमार, अगर आपने आज इस इंसान के साथ नाइंसाफी की, तो कुदरत आपसे बहुत बड़ा इंतकाम लेगी, और इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत भी हो सकती है। थैंक यू।